हल्दी पाउडर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है हमारे गार्डन में। तो हल्दी पाउडर को कैसे अपने गार्डन में यूज करना है, इसको तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो फ्री में मिलने वाली यह चीज़ आपके गार्डन में मरते हुए पौधों को भी जीवित कर सकती है, बचा सकती है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं वीडियो को बताऊँगा कि हल्दी पाउडर से आप अपने मरते हुए पौधे को कैसे बचा सकते हैं। इससे पहले मैं इसके तीन जो चमत्कारिक गुण हैं कि कैसे हम अपने गार्डन में इसको यूज करें जिससे कि हमारे पौधे फंगस से बचे रहें, बैक्टीरिया से बचे रहें, तो मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों जो हल्दी होती है ये फ्री में हमें अपने किचन से मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। ये एक तरह से एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस फंगल पाउडर का भी काम करता है, बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज हैं इसके। तो इसको आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं जिससे आपके पौधे फंगस से भी बचे रहेंगे, बैक्टीरिया से भी बचे रहेंगे। फंगस आपके पौधे जो रूट ख़राब होते हैं फंगस की वजह से, मिट्टी में फंगस लग जाती है, तो इन सभी चीज़ों से ये आपके पौधे को बचाएगा। तो फ्री में मिलने वाली यह चीज़ बहुत ही लाभकारी है। इसको कैसे यूज करना है मैं तीन तरीक़ों में आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो दोस्तों है, आप हल्दी पाउडर को अपनी जो मिट्टी बनाते हैं उस मिट्टी में बनाते टाइम ही गमले में भरने से पहले मिला सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि 1 kg मिट्टी जो आप बनाते हैं, या फिर मैं आपको बताऊं केजी से नहीं, आप इस 12 इंच के पॉट में जो मिट्टी बना रहे हैं इसमें करीब 2 से 3 ग्राम या एक यूँ कह लीजिए एक चुटकी हल्दी आपको इस प्रकार इस पॉट साइज की मिट्टी जो आप बना रहे हैं उसमें मिलानी है। इतनी हल्दी पर्याप्त है दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ होगी तो वो आपको फिर नुकसान पहुंचाती है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आप मेजरमेंट्स का ख्याल जरूर रखें कि एक चुटकी से ज़्यादा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, पर इससे ज़्यादा आप ना लें। तो इस प्रकार आप जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें भी मिला सकते हैं। अगर अगर तब नहीं मिलाए हैं आप और आपको आपके पौधे में कुछ डिजीज़ दिख रही हैं, पौधे थोड़ी फंगस का कुछ अटैक दिख रहा है, तो आप इस प्रकार हल्की हल्की गुड़ाई कर लें अपने पॉट की, और हल्की गुड़ाई करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर आप अब मिला लें। तो जिससे आपके पौधे में अगर कोई फंगस अटैक होना हो रहा होगा या मिट्टी में कोई फंगल अटैक होगा तो वो सारी चीज़ें इस हल्दी पाउडर से दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैंने गुड़ाई कर ली है, ये मेरा 12 इंच का पॉट है और मैं एक चुटकी हल्दी पाउडर ले लूँगा और इसको इस प्रकार अपने गमले में गमले की मिट्टी में स्प्रिंकल कर लूँगा। आप देखिए क्वांटिटी आपको बिल्कुल केयर करनी है कि इससे ज़्यादा ना हो। ये देखिए मैंने स्प्रिंकल कर लिया अपने पॉट में और इसको मैं हल्के हल्के हल्का गुड़ाई कर दूंगा स्प्रिंकल करने के बाद। इससे आप देखेंगे कि मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जो हल्दी की प्रॉपर्टी है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल, तो ये मिट्टी को जितने भी फंगस होंगे उन सबको मारने का काम करेगी। तो इस प्रकार आप मिट्टी में हल्दी पाउडर को मिला सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा पहला यूज था जो आप हल्दी पाउडर को अपने गार्डन में यूज करें। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप इसको जो आपकी टहनियाँ हैं पत्ते हैं कुछ देखिए इस प्रकार से पत्ते पीले पड़ते हैं, ख़राब होते हैं, तो ये किसी पेस्ट का अटैक हो या फंगस की वजह से हो, तो आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दो तरीका है जो सेकंड मेथड है उसको यूज करने का, दो तरीका है आपको मैं बताऊं कि इस प्रकार आप हल्दी पाउडर लीजिए और अपने पत्तों पे इस प्रकार स्प्रिंकल कर लीजिए। आपके सभी पत्तों पे हल्दी पाउडर का स्प्रिंकल आप कर लेंगे तो इससे क्या होगा ना कि जो पौधे पे बैक्टीरिया होंगे, जो भी फंगस या बैक्टीरिया या पेस्ट होंगे, ये हल्दी पाउडर जो है ये उन सबको इसकी वजह से वो सब खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे या मर जाएंगे, तो वो उनका कोई अटैक इस पर रह नहीं जाएगा। तो ये आप चीज़ें मिट्टी में मिलाना हल्दी या फिर इस प्रकार से स्प्रिंकल करना महीने में एक बार करें, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा तरीका जो दोस्तों है ये कि मैं इस प्रकार जो आप इस पर वो आपका स्प्रेयर है इसमें आप करीब 1 चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में घोल लीजिए अच्छे से और उसको अपने पौधे पे स्प्रे कर दीजिए
उस पानी को, हल्दी के घोल को। इससे दोस्तों बराबर मात्रा में सभी पत्तों पे, पूरी टहनियों पे आपकी हल्दी पाउडर का जो लिक्विड है वो पड़ जाएगा और आपका पौधा किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फंगस से बचा रहेगा। तो ये दूसरा तरीका है दोस्तों। अब मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ कि जैसे कोई कटिंग हम लगाते हैं तो हल्दी पाउडर एक रूटिंग हार्मोन्स की तरह भी काम करता है। तो आप कटिंग कोई भी लगाएं तो कटिंग का जो हिस्सा आप ज़मीन में लगा रहे हैं उसमें आप हल्दी पाउडर का लेप लगा दें, और जो हिस्सा ऊपर रह जाता है मतलब ऊपर की तरफ है उस पर भी आप हल्दी पाउडर को लगा के ही लगाएं। क्योंकि क्या होता है, आप अक्सर देखते हैं कि जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो ऊपर से वो सूखने लगता है। जैसे ये पोर्शन है, ये मैंने कटिंग लगाई थी चंपा का, तो ये पोर्शन जो है ये सूखने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है। तो हल्दी पाउडर लगा के अगर आप लगाते हो तो ये ड्राई नहीं होगा, और नीचे जो कटिंग है, नीचे कटिंग का निचला हिस्सा है उसमें जब आप हल्दी पाउडर लगाते हैं तो वो रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, उससे रूट्स बहुत ही जल्दी निकलती हैं। तो इस प्रकार आप हल्दी पाउडर का यूज रूटिंग हार्मोन्स में भी कर सकते हैं, और जब भी आप पौधों की प्रूनिंग करें, काट छाट करें, तो उसमें भी आपको हल्दी पाउडर लगा देना है। जिससे कि मैं दिखाऊं आपको कि मैं, ये मेरा गुड़हल का पौधा है, इसकी मैंने प्रूनिंग करी थी, अब देखिए कितने सारे नए शूट्स निकल गए इसमें से, नई ब्रांचेज आ गई और फूल भी खिल रहे हैं उन नई ब्रांचेज में से। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर, जब भी आप कटिंग करें तो ताज़ी जो ब्रांचेज होती हैं उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर उस पर एक लेप लगा दें, जिससे कि इस जगह से कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया आपके पौधे को ख़राब नहीं कर सकता। जब आप पौधे को कटिंग करते हैं तो ये पौधा एक तरह से कह लीजिए कि उसका घाव होता है जहाँ से बैक्टीरिया बहुत तेज अटैक करते हैं और पौधा यहाँ से सूखना शुरू कर देता है। तो जब आप हल्दी पाउडर यहाँ लगा देंगे तो वो एंटी बैक्टीरियल होता है, कोई भी बैक्टीरिया यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों हल्दी की। हल्दी आपको फ्री में आपके किचन से मिल जाएगी। हल्दी कौन सी यूज करनी है, तो जो आप हल्दी अपने किचन में खाना बनाने में यूज करते हैं वही हल्दी आपको यूज करनी है, और हल्दी कोई नई नहीं लानी है आपको। तो इस प्रकार दोस्तों आप हल्दी को अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं और अपने पौधे को फंगस से, बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। और जो पेस्ट भी होते हैं दोस्तों, ब्लैक कलर की होती हैं जो पेस्ट पत्तों पर नीचे पड़ी होती हैं, या फिर मिली बग्स भी होते हैं, तो वो भी इस हल्दी पाउडर के स्प्रिंकल से ख़त्म हो जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि पौधे को मरते हुए पौधे को आप हल्दी पाउडर से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए, ये मेरा मैंने नीम का पौधा लगा रखा है, तो इसमें ग्रोथ ख़त्म सी हो गई है, तो ये पौधा एक तरह से समझ लीजिए कि मर ही रहा है मेरा। तो इसको बचाने का जो तरीका होता है दोस्तों, जब नमी ज़्यादा होती है, मिट्टी में फंगस ज़्यादा हो जाता है, तो आपके पौधे में निमीटोड की शिकायत हो जाती है। निमीटोड क्या होता है दोस्तों, जो रूट्स होती हैं हमारे पौधों की वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उसमें अटैक होता है, रूट्स में गांठें बनने लग जाती हैं, तो वो फंगस अटैक से होता है, बैक्टीरिया अटैक से होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, ऐसी कंडीशन में आपको पहचानना है कि अगर आपका पौधा मर रहा है ऐसी स्थिति में है, तो आपको अपने गमले की ऊपर की कुछ मिट्टी 1 से 2 इंच की निकाल लेनी है, जहाँ आपको आपकी पौधे की फीडिंग रूट्स मिलने लग जाए, इतनी मिट्टी आपको निकाल लेनी है। तो जब ये मिट्टी आप निकाल लेंगे चारों तरफ से, इतनी कि फीडिंग रूट्स आपको दिखाई दे जाए, जब आपको फीडिंग रूट्स दिखाई दे जाएगी, क्योंकि नीम का पौधा है तो फीडिंग रूट्स इनकी नीचे होती हैं, ये देखिए फीडिंग रूट्स मुझे मिल गई। तो अगर आपको फीडिंग रूट्स जहाँ भी मिल जाए आप वहाँ तक की मिट्टी, ये देखिए ये रही फीडिंग रूट्स इसकी, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए, तो जहाँ भी आपको फीडिंग रूट्स मिलती हैं वहाँ तक की मिट्टी आप किसी दूसरे पॉट में निकाल लीजिए। और फिर आपको क्या करना है कि ये जो हल्दी पाउडर है हमारा, इसको एक चुटकी यूँ लेनी है और अपने पौधे के चारों तरफ से, ये देखिए इस प्रकार जहाँ फीडिंग रूट्स हमारी हैं तो वहाँ पे हमें स्प्रिंकल करना है, और स्प्रिंकल करने के बाद चारों तरफ हम स्प्रिंकल करके जो हमारा मिट्टी का पुरानी मिट्टी है उसी मिट्टी से हम इसे वापस से ढक देंगे। इससे क्या होता है कि जब पौधे की रूट्स निमीटोड से जो ख़राब हो रही होती हैं वहाँ पर जब हम हल्दी पाउडर पहुँचा देते हैं, तो जो भी फंगस, जो भी बैक्टीरिया अटैक होता है वो इस हल्दी पाउडर की वजह से ख़त्म हो जाता है, और निमीटोड्स की जितनी समस्या थी वो वहीं रुक जाती है, और पौधे की रूट्स की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो पौधा हमारा फिर जीवित हो उठता है, चलने लग जाता है। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हल्दी पाउडर से संबंधित कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।